दीदी दीदी संभवी जा दीदी, देखो मैं क्या लाई हूं तुम्हारे लिए, भोजन। मेरे भोजन की चिंता तुम्हें कब से होने लगी? ये क्या कह रही हैं आप दीदी? देखो जो जो तुम्हें पसंद है वो सारे पकवान लाई हूं। ये सब खिलाकर तुम मुझे मारना चाहते हो? ये क्या कह रही हैं आप? अगर आपको मारना ही था तो कब का मार चुकी होती, जब तक तुम्हारी प्रिय पुत्री देवसेना को नहीं मार लेती। तुम्हें तो जीवित रखना पड़ेगा ना दीदी, भला उसकी मृत्यु के सुख से मैं तुम्हें वंचित कैसे रख सकती। खा लीजिए ना, देखो कितने प्यार से लाए हूं भोजन। तुम सोच रही होगी ना कि मैं ये क्यों खा रही हूं, क्योंकि मैं भी जीवित रहना चाहती हूं, ये देखने के लिए कि मेरी बेटी देवसेना तुम्हारा अंत कैसे करती है। कौन किसका अंत करता है वो तो समय ही बताएगा। केतु भी देवसेना को मार नहीं सका गुरुजी, अहुमा भी मुझे उसके ठिकाने के बारे में बता नहीं पाई। यदि देवसेना महिषी देवी के मंदिर से सिंदूर लेकर वापस आ जाती है तो उसके जनजाति के औरतों पे से श्राप उठ जाएगा, फिर मेरे लिए उसे समाप्त करना और भी कठिन हो जाएगा। मैं क्या करूं गुरुजी, मुझे कुछ बताइए। देवसेना की छोड़, इस समय तुझ पर उससे अधिक संकट अपनी बहन से। संभव विजय दीदी से? मैंने तो उसे आईने में कैद करके रखा हुआ है। हाँ, लेकिन उसकी आयु को, उसकी सेहत को तो कैद नहीं किया हुआ है ना? मतलब? संभव विजय अमर नहीं है, वो आईने में कैद जरूर है, लेकिन उसकी आयु तो बढ़ती जा रही है, वो धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रही है। और ये तो तुझे पता ही है, संभव विजय की मृत्यु तेरी भी मृत्यु है। तो मैं क्या करूं, जब संकट स्पष्ट किया है तो उपाय भी बताइए गुरुजी। या कुछ जड़ी बूटियां रखी हुई हैं, इसे अपनी बहन को खिला दे, लेकिन ध्यान रहे कि यह हर दिन उसे खिलानी होगी। जब तक उसे यह हर दिन खिलाती रहेगी, संभाविजा की आयु हर दिन बढ़ती रहेगी। मतलब मेरे भी आयु बढ़ती जाएगी? खा लीजिए दीदी, आप इसी अपेक्षा में खाना खा लीजिए कि आप मेरी मृत्यु होते देख सकेंगी। लेकिन सच तो केवल ये है कि आप खाना खाएंगे और मेरी आयु और बढ़ती जाएगी, मेरी मृत्यु मुझसे दूर भागेगी। राजकुमारी जी, ये आपके सर पर चमकने जैसी चीज क्या है? क्या है ये? इसे छूने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक चीज है। जब इतनी खतरनाक चीज है तो इसको सर में लगाकर क्यों घूम रही हैं आप? आपका सर नहीं जलेगा? आपका सर अमर है क्या? नहीं, मैंने अपने सर में जड़ी बूटी वाला पानी लगाया है, बस उसी का असर है। वैसे है तो बहुत सुंदर, जादुई लगता है।
लेकिन ये आपको कहाँ मिला? वही जहाँ मुझे मेरा प्यार मिला। मतलब शिवगम? शिवगम कहाँ हो? शिवगम क्या है? और वो भी यहाँ शिवकम के कमरे में। लेकिन ये तो बहुत सुंदर है, इसे मैं कैसे उठाऊं? मुझे लगता है मेरा शिवगम ये उपहार मेरे लिए ही लाया होगा। राजकुमारी जी, ये उपहार है या खतरा? खतरों से भरा प्यार, मुझे ऐसे ही खतरनाक उपहार वाला प्यार पसंद है। मेरे शिवगम का प्यार, पता नहीं इस समय कहां भटक रहा होगा मेरा प्यार। माँ, माँ, मेखला, तुम्हारा रूप तो ऐसे दमक रहा है जैसे चौदवी का चांद हो। आज शिवकम तुम्हें देखता तो वो भी देखता रह जाता। दरार? ये आईने में दरार कैसे आई? ये मेरा भ्रम तो नहीं? इसका मतलब है कि मैं भी बाहर जा सकती हूं, लेकिन ये पद्मविजा का कोई बिछाया हुआ जाल तो नहीं? क्योंकि उसके कक्ष में तो केवल उसी की चलती है। मुझे मेरी बेटी को बचाना है, मैं बाहर जाऊंगी। पूरी सेना इकट्ठा करो, जाओ। संभाविजा, ये मेरे जादुई आईने के कैद से बाहर कैसे आए? दीदी, पद्मा, आज तुम्हारा कोई जादू नहीं चलेगा मेरे सामने, और आगे मत आओ। तुमने मेरे राज्य की, मेरी ममता की, मेरे विश्वास का घात किया है। पद्मवजा, आज तुम्हें मेरे सैनिक छोड़ेंगे नहीं। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। दीदी, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारी जगह मैंने कैसे ले ली? लोग सच कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं इतनी कैसे गिर गई? मुझे यहाँ नहीं, वहां होना चाहिए था, जहां मैंने आपको बंदी बना रखा है।
तुम्हें यहाँ नहीं वहां होना चाहिए। पैरों में झुककर भी पैरों तले की धरती खींच लेते हैं हम ऐसे। जो काम जादू नहीं कर सका वो प्यार ने कर दिखाया, बहन का प्यार। तुम्हें क्या लगता है जिस पद्मा ने द्रविड राज्य की रानी को आईने में कैद करके रखा है वो तुम्हें इतनी आसानी से भागने देगी? तुम्हारी जगह तो यही है, इसी आईने में। पद्मा भी जाओ, पद्मा भी जाओ। लेकिन दीदी निकली कैसे, आईना टूटा कैसे? ऐसी कौन सी शक्ति आई है इस महल में जो मेरे शक्तियों से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो मेरे विरुद्ध जाकर संभवजा की मदद की? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।